संभलकर मुझे हर एक कदम रखना होगा। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पत्थर मजबूत है और कौन सा पैर रखते ही बह सकता है। ये वाटरफॉल बहुत बड़ा है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके जितने करीब जा सकूं मैं जाऊं। झरने का पानी कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। बौछारों को झेलते हमने आगे बढ़ना शुरू किया। ये हिस्सा सबसे खतरनाक है। क्यों कह रहा हूँ मैं, वो आप देखिए, यहाँ पानी की गहराई मुझे नहीं मालूम और ये पत्थरों पर ज़्यादा जगह नहीं। वो ये देखिए कितना गहरा है। ये पैच मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। मेरी छड़ी भी गई। हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था, पानी की बूंदें पत्थर की तरह चेहरे से टकरा रही थी। बहुत तेज पानी की धार है। मुझे पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये इतनी तेज आ रहा है कि मेरे चश्मे पर पानी की पूरी बूंदे आ गई है। हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। ये हवा मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ये बहुत तेज हवा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे पीछे धकेल रहा है और आगे मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि अगर पानी का बहाव बदलता है या तेज बारिश होती है तो कभी भी इस रास्ते पर पानी आ सकता है। झरने के ठीक नीचे थे, रास्ता सामने से था, लेकिन एक एक कदम भारी पड़ रहे थे। किसी तरह इस पहली बाधा को हमने पार किया। सफर का आगाज देख हमने कमर कस ली। लगता है कई बड़े खतरों से पाला पड़ने वाला था। गांव वालों ने इसकी चेतावनी दी थी, कहा था ये सफर तो बहुत लोग शुरू करते हैं लेकिन चुनौतियां बीच रास्ते हिम्मत तोड़ देती हैं। देखिए, जिस आखिरी गांव से हमने इस यात्रा की शुरुआत की है वह काफ़ी पीछे रह चुका है। तेज़ धार आपको सतलज की नज़र आ रही है। सतलज के ठीक बाजू में बसा वो गांव आपको नज़र आएगा, जहां इक्का दुक्का घर ही आपको पेड़ों के बीच से झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। सफर शुरू करने से पहले जब हम गांव में थे तब लोगों से उस पौराणिक शिवलिंग से जुड़ी कहानियां पता कर रहे थे। लोगों ने जानकारी देने के बजाय यात्रा के जोखिमों को उंगलियों पर गिनवाया। मतलब ये बहुत खतरनाक यात्रा है, जो जैसा लोग बताते हैं। जहाँ से कैलाश का निवास स्थान है जी, वहाँ से लेके पूरा खड़ बहता है। खड बहने के बाद वार पार जंगल है, पहाड़ है, तो ऐसा छोटे मोटे पगडंडी रास्ते है। फिर ऊपर जाके ग्लेशियर है, बर्फ बहुत बर्फ जमा हुआ है, तो ग्लेशियर भी ऐसा ही किसी को अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हो तो ग्लेशियर के नीचे दब भी सकता है। वहाँ हवा तो आप लोग 12 एक बजे की बात किया तो ज़्यादा वहाँ दर्शन करने का मुश्किल है, उससे आगे किया तो फिर दर्शन कर सकते जितना भी घंटा है। इतनी तेज हवा है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खतरा है वहाँ शिवलिंग के पास? ऐसा है कि खतरा कहीं अरे परे ऐसे रास्ता है, अरे परे पलटने का ज़्यादा खतरा है। वहाँ पलट गया तो फिर दिखता ही नहीं है नीचे, अरे परे दिखता ही नहीं, मुश्किल है। कहाँ गया नहीं पता? हाँ जी, हाँ जी।
अभी तो वो अद्भुत शिवलिंग कोसों दूर था, लेकिन रास्ते की मुश्किलें और खतरों को देख हम समझ गए गांव वालों की एक एक बात सच थी। आप इस रास्ते को देखिए जो ऊपर की ओर से आ रहा है, यानी यहाँ पे भी शायद बारिश के वक्त एक झरना बहता होगा, लेकिन ये रास्ता कैसा है इसे आप समझ सकते हैं कि हर कदम पर डर लगना लाजमी है, क्योंकि हजारों फीट गहरी खाई हर कदम पर आपको मिलती है, और उस डर को जीत कर जब आप हिम्मत जुटा पाते हैं तभी शायद आप यहाँ कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर किन्नौर कैलाश का रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? क्या कुदरत ने पहरा बैठा रखा है जो उस पौराणिक शिवलिंग को लोगों से दूर रखता है? क्या कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है वहां? कुछ तो होगा। हमने ये सवाल गांव में पूछे थे, सुनिए कैसे हैरतअंगेज जवाब सुनने को मिले। कहते हैं वो पौराणिक शिवलिंग सतयुग से है, भगवान शिव पूरे परिवार के साथ वहां रहते थे, आज भी मौजूद हैं। इसकी कई निशानियां हैं। एक बगीचा है जिसे खुद मां पार्वती ने अपने हाथों से सजाया था। कहते हैं वहां आज भी कई दुर्लभ पेड़ पौधे मिलते हैं। गणेश उद्यान है, बताते हैं बाल गणेश वहां खेला करते थे। एक पार्वती कुंड है जिसका पानी का स्रोत आज तक पता नहीं चला। बताया जाता है किन्नौर कैलाश में कभी महादेव का दरबार लगता था, सारे देवी देवता उसमें शरीक होते थे। मान्यता है कि वो सिलसिला आज भी बरकरार है।